तो दोस्तों नमस्कार। अब क्या है, अब नया टॉपिक शुरू करता हूँ उसी में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो सेशन चल रहा था उसमें नया टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर वेक्टर क्या होता है इसमें ये बताऊँगा कैसे करते हैं, इसे क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी। इस वाले सेशन में यही चलेगा कि वेक्टर क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखो क्यों पड़ती है, वेक्टर क्या है, कोई भी एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जैसे हम बोलते हैं स्पीड बोलते हैं ना गाड़ी, स्पीड क्या है वो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होती है, कोई भी अगर एक बॉडी ऐसे चल रही है रेंडमली, तो ये ए से चली मान लो बी कर रही, तो जिस पाथ को ये फॉलो कर रही है इसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन बोल सकते हो आप। ट्रेजेक्ट्री से भी डिजाइन कर दिया गया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन, ट्रेजेक्ट्री उसमें पाथ है मोशन का, तो एक्चुअल पाथ जिसमें वो जा रहा है पूरी डिस्टेंस होती है, ये पूरा नाप लो ऐसे, तो डायरेक्शन लेस है, कभी ऐसे किया कभी ऐसे किया, तो इस क्वांटिटी को हम डायरेक्शन बता नहीं सकते। ये होती है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, लाइन के द्वारा हो सकती है, फिर लाइन मान लो आप ऐसे करके ये, तो ये देखो इस पर एक डायरेक्शन है क्योंकि ये एक लाइन है इधर की और इधर से बाकी इधर पहुँचे, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है इसमें मैग्नीट्यूड तो है इतना और डायरेक्शन इधर की हो गए, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है वेक्टर डी से। वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है इसमें इतना और डायरेक्शन है इधर की हो, और अगर डिस्प्लेसमेंट डी आई एस पी लिख रहा हूँ अपॉन टाइम हम करेंगे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आती है वेलोसिटी, इसको दिखाते हैं ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ये होता है वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर, और ये इसमें ऐसा लग जाता है कि ये वेक्टर की जो होती है ना, ये जिसे बोलते हैं हेड, ये जहाँ से ये होता है टेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये वेक्टर है जैसे ये जिसकी हेड है जिसकी टेल है, हेड और टेल है ना, तो ये हो गया इसमें इतना समझ गए। तो अगर इस स्पीड को दिखाना है आप सिंपल वी से दिखा दो, वी से डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है वेक्टर, वी से डिस्टेंस को दिखाना है तो डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन रखो ये है स्केलर क्वांटिटी। आवाज़ आ रही होगी बढ़िया, तो भाई धन्यवाद। अब देखो आगे, अब बताता हूँ आगे की ओर देखो, अब क्या करना है इसमें, इसमें आप ऐसा करना है कि यह है स्पीड, स्पीड को हम दिखाएंगे खाली सिंपल वी से, इसे बोलेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलते हैं इसे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो आगे बताता हूँ, अब क्या है कोई भी वेक्टर है तो बता दिया हमने, इसको बोलते हैं टेल, इसे बोलते हैं हेड है ना। अब एक चीज़ और होती है, ये वेक्टर है ऐसे देखिए, ये इसकी टेल है, ये हेड है, ये दूसरा वेक्टर है, ये इसकी टेल है, ये हेड है, तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पर पड़ा, तो इसके टेल से अगर आप इसके हेड को जोड़ देते, ये वी वन का वेक्टर वी वन ऐसे दिखाना है पूरा वेक्टर वी टू, अगर ऐसे नहीं दिखाओगे ना तो गेट या एम सी क्यू एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कन्वेंशनल या स्कूल वाले में टीचर नंबर नहीं देगा आपको या फिर नहीं देंगे, तो ये हो गया देखो वी वन वी टू और आर, तो वेक्टर वी वन प्लस वेक्टर वी टू इक्वल टू वेक्टर आर, वेक्टर वी वन बस वेक्टर वी टू इक्वल टू वेक्टर आर, ये समझ आ गया होगा बहुत बढ़िया से ना, बहुत बढ़िया से समझ आया होगा ये चीज़ देख लो, क्योंकि ये ऐसा होता है पहला वेक्टर ये है दूसरा ये है
तो इसके हेड को इसके टेल में रखना है और इसके टेल से इसके हेड को जोड़ना है, तो जो आएगा वो कहलाएगा रिजल्टेंट, वो हो जाएगा पेपर आर। ये बन गया, देखो सही लग रहा है? सही लग रहा है तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं लग रहा है तो तब भी बढ़िया, लेकिन लगना तो चाहिए सही। अब देखो ये टॉपिक पुराना था, ये मिटाना भूल गया तो ये कर देता हूँ इसे। अभी अभी तक यही चलेगा ना वेक्टर, अभी वेक्टर ही चलेगा। अब देखो इसमें क्या करना है आगे। अब मान लो एक वेक्टर था, ये वेक्टर V1, ये था वेक्टर V2, ये था वेक्टर V3, इसका रिजल्टेंट निकाला बोला क्वेश्चन ने, तो आपको ऐसे दिख रहा होगा देखो V1 + V2 का जो रिजल्टेंट है ऐसे आएगा, इसको डैश से दिखा रहा हूँ आर। फिर क्या होगा, आर की डेली है, हेड ये है, ये यहाँ पे पड़ेगी, तो इसको और इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे ये आर डैश बोल रहे हैं वेक्टर V1 और V2 का रिजल्टेंट आर डैश था, और ये नेट रिजल्टेंट आ गया ये प्लस ये, क्योंकि ये प्लस ये तो ये बन गया, फिर ये प्लस ये क्या बन गया ये, तो इसे बोलो वेक्टर आर फाइनल रिजल्टेंट आ गया। तो यहाँ से एक लॉ दिखाता है, एक लॉ आता है ऐसे पिक्चर में, उसे हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों, यह आ गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इनकी क्या बोलता है, ये कहते हैं कि अगर कोई एन नंबर ऑफ वेक्टर्स है, एन नंबर ऑफ वेक्टर्स थे V1 V2 V3 VN तक हो सकता है, तो अगर वो एक साइक्लिक ऑर्डर में जाते हैं तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा अपोजिट ऑर्डर में आएगा। इसका मतलब ये है V1 है, ये V2 है, ये V3 है, V1 V2 V3 ऑर्डर क्या है इसका, ऐसे क्लॉक है, लेकिन रिजल्टेंट जो आ जाएगा उल्टा आ जाएगा ऐसे। तीर तो भी ऐसे जाना था, तो तीर ऐसे आना चाहिए आएगा ऐसे, यही है पॉलीगन लॉ कि अगर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स है उनका हमें करना है एडिशन, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट नेचर में आएगा। ये था वो रूल, इसे आप देख लो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसे कहते हैं हम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना। अब देखो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इसको मिटा देता हूँ। ये हो गया होगा, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, ये वाला समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, आप चलेंगे अगले पे। अब अगला क्या है, अगला पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ होता है दो वेक्टर को जोड़ने का, ये आ रहे डबल एल ई एल जी ए आ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो इसमें ऐसे कुछ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं शायद, तो अब क्या है, ये बोलता है कि एक वेक्टर अगर ए है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको निकालने का हमें फॉर्मूला बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। देखो इसको ये आता है ऐसे करके है, क्यों आता है ये बता दूँ, देखो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो इसको आप ऐसे देखो, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी को है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे भी तो मार सकते हैं, थोड़ा सा इसके यहाँ पे ले आओ टेल पे, इसका हेड बढ़ गया इसकी टेल पे, तो इसकी टेल से इसके हेड को जोड़ने वाला बन जाएगा रिजल्टेंट आर। तो ये देखो ये वेक्टर इतने वेक्टर भी था, तो रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन ऐसे आ गई है, तो उसको आप ऐसे कर लो, ये वेक्टर ए को इधर बचा दो, इसी को यहाँ शिफ्ट कर दिया वेक्टर ए है, तो वही चीज वेक्टर बी ये था, ए ये था, लेकिन उसको यहाँ रखा है, यहाँ बात तो वही बड़ी है, तो वही वेक्टर, तो वेक्टर आर इसका क्या है रिजल्टेंट। अब इनके बीच का एंगल मान लो थीटा था, क्या था थीटा, तो वेक्टर आर का एंगल जो है अगर हम इसे मान लो अल्फा बनाते हैं, इसको हमने लेग रख रखा है, लेग एंगल वेक्टर आर मेक्स जो बनाएगा विद वेक्टर बी इज अल्फा, और थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। देख रहा हूँ कि वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये देख रहा हूँ मैं, नहीं अभी तक तो ठीक लग रहा है मुझे, अब जब पूरा हो जाएगा तो अभी देखूँगा। विद वेक्टर बी इज अल्फा, तो अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो वेक्टर हैं, अब क्या करना है, वेक्टर ए को यहाँ रखा हमने, ये बना इसका रिजल्टेंट आर, अब हमें पता है कि ये ऐसे आएगा है ना, कैसे आएगा, अब देखो ये थीटा है ये, और ये लाइन के नीचे एंगल थीटा है,
तो इसके और इसके बीच का भी थीटा ये होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये एक लॉ होता है ज्योमेट्री का, बहुत बेसिक लॉ। तो अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्यों, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है ये, ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा ना। तो अब देखो, अब कुछ मत करो, अब आप ले लो ये पॉइंट को, मान लो पी, ये पॉइंट को मान लो क्यू, ये पॉइंट को मान लो आर। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये 90 डिग्री एंगल लिया, तब ये साइन थीटा हुआ, ये कॉस थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, इसका एंगल राइट है ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या हो जाएगा, लगाओ इसमें कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस वाली, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस ए कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारा। अब आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गई का, तब ये बन गई। तो इसके बाद आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें और इसमें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे लिखूंगा प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो खाली हम साइड की वैल्यू लेंगे, तो बी ए और ए बी जो है मैग्नीट्यूड है, बी और ए जो है मैग्नीट्यूड है वेक्टर के, थीटा इनके बीच का एंगल है ये वाला एंगल है। जब भी मान लो ऐसा पता आ जाता है कि दो वेक्टर दिए हों इस टाइप से, आपको एक ऐसे एक ऐसे, इनके बीच का एंगल क्या है ऑब्ट्यूज है, तो इसमें थीटा की वैल्यू को ऑब्ट्यूज रख देना, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एक चीज़ और है, ये शॉर्ट में एक किनारे पर उसे भी निकाल देता हूँ। हाँ इतना तो सब परफेक्ट लग रहा है मुझे, इतना तो बढ़िया आ रहा है पूरा। अब इसको बिठा के अब बताता हूँ टेन अल्फा की कहानी, अब बताऊँगा टेन अल्फा की कहानी। इतना तो सही होना चाहिए, फिट होना चाहिए दिमाग में। अब ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये इसका रिजल्टेंट भी था आर, वेक्टर आर, ये एंगल अगर थीटा था पूरा, तो ये एंगल अल्फा था है, सही हो गया। तो ये एंगल अल्फा था, ये वेक्टर आर था ऐसे, ये पूरा यहाँ तक किया, कहाँ तक किया भाई, पूरा यहाँ तक जहाँ तक जोड़ा था इसने, इसे जोड़ देना है, थोड़ा जोड़ नहीं पा रहे ऐसे करके। अब यहाँ से लगा टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू ये ए है वेक्टर ए, ये थीटा है इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ये क्या बी प्लस ए कॉस थीटा। आपने बुक में देखा होगा कि वो आता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन वो तब क्या करता होगा, बी को इधर देता होगा ए को इधर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल आप जिस वेक्टर से ले रहे हो उसे देखो, अगर आप एंगल ले रहे हो वेक्टर बी से ना, अगर आप एंगल वेक्टर बी से ले रहे हो रिजल्टेंट का एंगल बी से, तो बी नीचे आएगा बाकी दो जगह ए आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ए के साथ आएगी, जिससे आप एंगल ले रहे हो वेक्टर से उसका दूसरा वाला आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एलिमेंट्स के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी वैल्यूज होंगी उसके साथ दूसरा वेक्टर आएगा। ये हो गया प्रूफ, ये आज के लिए सफिशियंट हो गया, ये टेन अल्फा का हो गया, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके आगे कल बताऊंगा कार्टेशियन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में।
और अगर 3D में आ जाए फिर वो भी बता दूंगा, और थोड़ा सा प्लेन के बारे में बता दूंगा। थैंक यू।